बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर अजय देवगन के कजिन ब्रदर अनिल देवगन का सोमवार की रात मुंबई में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 45 साल के थे। अचानक निधन से पूरे देवगन परिवार में दुख का माहौल है। इस बात की जानकारी खुद अजय ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। अजय देवगन ने बताया कि महामारी की वजह से प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अजय ने अपने ट्वीट में लिखा, बीती रात मैंने अपने भाई अनिल देवगन को खो दिया। उनके निधन से हमारा परिवार गहरे सदमे में है। अजय देवगन फिल्म्स और मुझे उनकी याद हमेशा आएगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। महामारी की वजह से हम निजी प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करेंगे। अजय के ट्वीट पर फैंस भी उनके भाई के निधन पर शोक जता रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी श्रद्धांजलि दी है। अनिल देवगन ने अपने करियर में ज्यादातर काम अजय देवगन के साथ ही किया। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया था। वो साल 1996 में आई फिल्म जीत के अलावा अजय देवगन की फिल्मों ज्ञान, इतिहास, प्यार तो होना ही था और हिंदुस्तान की कसम में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे। अनिल ने साल 2000 में बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म राजू चाचा बनाई थी। इसके बाद साल 2005 में ब्लैकमेल और 2008 में हाल ए दिल लेकर आए। इनमें से फिल्म ब्लैकमेल में भी अजय देवगन लीड रोल में थे। अजय देवगन की एक और फिल्म सन ऑफ सरदार में भी अनिल देवगन क्रिएटिव डायरेक्टर थे। लोकमत हिंदी की तरफ से अनिल देवगन को विनम्र श्रद्धांजलि।